हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माइंड मैप लिटरेचर। और आज हम बात करेंगे रोमन क्रिटिक लॉन्जाइनस के बारे में और उनकी वर्क ऑन द सबलाइम के बारे में। इन दिस वर्क ही टॉक्स अबाउट गुड राइटिंग, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड व्हाट इज वीक राइटिंग, व्हाट इज सबलिमिटी एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड। इन सभी चीज़ों की बात की है उन्होंने अपने वर्क ऑन द सबलाइम में। तो स्टार्ट करते हैं। लॉन्जाइनस को स्कॉट जेम्स ने फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा था। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि रोमांटिक क्रिटिक कौन होते हैं। रोमांटिक क्रिटिक वो होते हैं जो सिर्फ वर्क को देखते हैं। वर्क यदि अच्छा है तो वो उसको अच्छा कहते हैं, वो फॉर्म के बारे में और किस प्रकार से लिखा गया है इस पर ध्यान नहीं देते। सो स्कॉट जेम्स कॉल्ड हिम फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक बिकॉज ही जज अ वर्क मोर बाय इट्स एसेंस देन इट्स फॉर्म। लॉन्जाइनस कहते थे, रीडर और हियरर should be carried away, transported and moved to ecstasy by the grandeur and passion of the work. अब ecstasy क्या होता है? ecstasy होती है extreme delight। मतलब Longinus का कहना था, जो poem सुन रहा है या read कर रहा है उसको पढ़ते पढ़ते ecstasy मतलब extreme delight या happiness का अनुभव होना चाहिए, तभी वो अच्छा work है, तभी वो अच्छी poetry है। और इसी इन सब चीज़ों की बात की है उन्होंने अपने work on the sublime में। अकॉर्डिंग टू Longinus, सबलाइम क्या होता है? सबलाइम ये होता है कि कोई सा वर्क या पोइट्री जिसको पढ़ते पढ़ते एक्सट्रीम डिलाइट मतलब एक्सट्रीम डिलाइट का अनुभव हो, वो है सबलाइम। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई मूवी देखते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं और उसको देखते देखते बहुत अच्छी अनुभूति, बहुत अच्छा लगता है, वो होती है सबलाइम, वो होता है एस्टेसी। वो कहते हैं, सबलाइम कैसे अचीव की जा सकती है? बाय लॉफ्टीनेस एंड एक्सीलेंस ऑफ लैंग्वेज। मतलब अच्छी लैंग्वेज और लॉफ्टीनेस ऑफ लैंग्वेज से सबलाइम अचीव की जा सकती है। ही सेज, सबलाइम इज़ द इमेज ऑफ ग्रेटनेस ऑफ माइंड। मतलब एक राइटर सबलिमिटी कैसे प्राप्त कर सकता? माइंड इज़ ग्रेट एंड हिज थॉट्स आर ग्रेट। जब तक उसके थॉट्स ग्रेट नहीं होंगे वो सबलिमिटी अचीव नहीं कर सकता। वो कहते हैं, ग्रेटनेस ऑफ थॉट कैसे आएगी? तो ही एडवाइसेस टू रीड एंड रीड एंड रीड। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे थॉट्स बड़े नहीं होंगे। ही एडवाइसेस टू रीड प्लेटो एंड हिज वर्क। सबलिमिटी वो है कि राइटर जो रीडर को मजबूर कर दे रिएक्ट करने पर, खुश करने या दुखी होने पर मजबूर कर दे, ये होती है सबलिमिटी। सबलिमिटी इज़ नॉट इनेट, इट इज़ लर्न बाय इंस्ट्रक्शन। सबलिमिटी जन्म से नहीं आती, इसे सीखा जा सकता है, इंस्ट्रक्शन के द्वारा सीखा जा सकता है। अब Longinus बताते हैं कि ट्रू सबलिमिटी कैसे पाई जा सकती है। सो फर्स्ट ग्रेट थॉट्स मीन्स द थॉट्स ऑफ राइटर शुड बी ग्रेट, हिज क्वालिटी ऑफ थिंकिंग शुड बी ग्रेट। सेकेंड, नोवल डिक्शन मीन्स यूज ऑफ वर्ड रिदम एंड राइम शुड बी गुड सो दैट सबलिमिटी कैन बी अचीव्ड। थर्ड, प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, ही सेज नॉट टू यूज पॉम्पस और डिग्निफाइड बॉम्बास्टिक वर्ड, यूज सिंपल बट गुड वर्ड्स। फोर्थ, इमोशंस शुड बी स्ट्रॉन्ग टू अचीव सबलिमिटी, ही सेड इमोशंस शुड बी स्ट्रॉन्ग इन पोइट्री और ड्रामा। फिफ्थ, यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच लाइक मेटाफर सिमली एट्सेट्रा। जब तक हम मेटाफर सिमली का सही उपयोग नहीं करेंगे सबलिमिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। नाउ ही टॉक्स अबाउट व्हाट इज फॉल्स सबलाइम। फॉल्स सबलाइम क्या है? सबलिमिटी के पाथ में बैरियर क्या है? तो पढ़ते हैं। फर्स्ट, यूज ऑफ पॉम्पस एंड बॉम्बास्टिक वर्ड, मतलब शो ऑफ वर्ड और बॉम्बेस्टिक वर्ड का यूज़ नहीं करना, इससे हमारी सबलिमिटी ख़राब हो सकती है। सेकंड, चाइल्डिशनेस मींस बिना सेंस की बातें करना, अनमैच्योर बातें करना, चाइल्डिशनेस थीम लेना, ये होती है चाइल्डिशनेस। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे करने से सबलिमिटी अचीव नहीं हो सकती। थर्ड, डिफेक्ट ऑफ स्टाइल मींस नो सिंसियरिटी इन वर्क सो इट इज़ कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ स्टाइल। फोर्थ, लैक ऑफ पैसन एंड इमोशन, जब तक आपके वर्क में इमोशन नहीं है, पैसन नहीं है, यू कैन नॉट अचीव सबलिमिटी। तो ये था Longinus का ऑन द सबलाइम का कॉन्सेप्ट। आगे चल के इन्होंने बहुत सारे राइटर पोएट्स को इंस्पायर किया इनकी थ्योरी ऑन द सबलाइम के बारे में, और बहुत सारे राइटर ने इनकी थ्योरी के बारे में लिखा है, जैसे स्कॉट जेम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज, टी एस एलियट्स एट्सेट्रा।
होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड टू माइंड मैप लिटरेचर।